15 नवंबर से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग शुरू होने जा रही है। 3 महीनों तक चलने वाली इस क्रिकेट लीग को जीतने वाली टीम को इनाम के रूप में 21 लाख की राशि प्रदान की जाएगी, जबकि उपविजेता टीम को 11 लाख, तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 5 लाख और मैन ऑफ द सीरीज रहने वाले को भी 5 लाख की राशि इनाम में दी जाएगी। इस क्रिकेट लीग का आयोजन सम्मान एंड सलाम फाउंडेशन द्वारा करवाया जाएगा। फाउंडेशन के संस्थापक विवेक कुमार झा ने बताया कि हर जिले से 32 टीमें इसमें भाग लेंगी और इनकी एंट्री फीस 21,000 रूपये रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 नवंबर है। इसके लिए एक फॉर्म भरना होगा जो कि फाउंडेशन के सुंदरनगर स्थित कार्यालय से प्राप्त होगा। यदि 32 से अधिक टीमों के आवेदन आते हैं तो फिर उनमें छंटनी की जाएगी। उसी आधार पर 32 टीमों का चयन किया जाएगा। एंट्री फीस चयन होने के बाद ली जाएगी। हर एक टीम को लीग के तहत 4 से 5 मैच खेलने का मौका दिया जाएगा। सभी मैच जिला स्तर पर चिन्हित किए गए मैदान में होंगे, जबकि जिला स्तर से चयनित टीमों के सभी मैच एचपीसीए के धर्मशाला स्थित स्टेडियम में ही करवाए जाएंगे। विवेक कुमार झा ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से शहीदों के परिवारों के लिए फंड एकत्रित किया जाएगा। सारी कैलकुलेशन का 10% शहीदों के नाम पर कार्य करने या फिर उनके परिवारों के उत्थान पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा जो भी धनराशि एकत्रित होगी उसमें से सीएम रिलीफ फंड को 10 लाख, पुलिस वेलफेयर डोनेशन में 10 लाख, एचपीसीए को 5 लाख और एनसीसी को 5 लाख रूपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि संस्था शहीदों के परिवारों के उत्थान के लिए काम करती है। अभी तक इस तरह के 7 कार्यक्रम आयोजित करके 171 शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम ये खेल स्टार्ट हो जाएगा 15 नवंबर से, जो करीबन 102 दिन मतलब 3 महीने के करीब चलेगा। और हर जिले में हम लीग मैच करवा रहे हैं। हर एक टीम को 4 से 5 मैच खेलने का मौका मिलेगा। हमने पूरे हिमाचल से मतलब हमने ये एक ट्रायल सीरीज के जैसे बनाया, तो हमारे को ऐसा है कि 32 टीमें चाहिए हमारे को हर जिले से, कि 32 से 16, 16 से 8, 8 से 4। फाइनल के 2 टीम हम ले जाएंगे धर्मशाला के इंटरनेशनल ग्राउंड में खिलाने के लिए। और हमारा मोटो भी है इसके पीछे कि जो गांव के बच्चे हैं, जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिनको मौका नहीं मिला या फिर जो किसी भी समस्या की वजह से खेल में इतने नहीं रुचि रख पाए, रुचि रखते हुए पारिवारिक दबाव से नहीं आ पाए, तो ऐसे 24 प्रतिभाशाली बच्चों को हम सेलेक्ट करके, चाहे वो मैच जीते हैं या नहीं जीते हैं, हमारी टीम सेलेक्ट करेगी। हम उनको दिल्ली और गुड़गांव में अच्छे से अच्छे कोचिंग दिला के एक अच्छा खिलाड़ी बनाएंगे, जिससे हिमाचल का और हमारे देश का नाम रोशन हो पाए। जी, हमने इसमें प्रथम पुरस्कार रखा है 21 लाख रुपए का और द्वितीय पुरस्कार है 11 लाख रुपए का। थर्ड रनर अप को हम दे रहे हैं 5 लाख रुपए, मैन ऑफ द सीरीज को भी हम दे रहे हैं 5 लाख रुपए, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में हम 10 लाख का डोनेशन भी देंगे, पुलिस वेलफेयर डोनेशन में भी हम 10 लाख रुपए देंगे, एचपीसीए को भी हम 5 लाख रुपए देंगे वेलफेयर के लिए, कि वो खिलाड़ियों के पीछे जो मेहनत कर रहे हैं एचपीसीए, क्योंकि ये पहाड़ी और दुर्गम इलाका है और यहाँ से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ढूंढने के लिए जो कार्य कर रही है एचपीसीए, वो भी बहुत महान कार्य है, इसलिए हम वेलफेयर में 5 लाख रुपए उनको भी देंगे। और 5 लाख रुपए हम डोनेट करेंगे एनसीसी को, कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एनसीसी को जुड़ें, जिससे वो फौज की सेवा में आए, पुलिस की सेवा में जाए, रेदर देन ज्वाइनिंग कॉल सेंटर, बाहर जाके किसी होटल में काम करने से बढ़िया है कि सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित हो, फौज पुलिस की तरफ आकर्षित हो, उनके लिए हम यथासंभव प्रयास करेंगे। हमने पहले से ही एक कैटेगरी रखी है कि SSCL जो भी अर्न करेगी उसका 10% प्रॉफिट का सीधा शहीदों के परिवार के कल्याण के लिए जाएगा। और 82-83 लाख रुपीज़ तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है और हम प्रयासरत हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर मिले, जिससे हम अपने अगले कार्यक्रम पे भी फोकस कर पाएँ।